नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और मैं हूँ आपके साथ योगिता शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ट्रक के पलटने से 3 लोगों की मौत, घटिया निर्माण को बताया जिम्मेदार। छेड़छाड़ का विरोध करने पर मंचलों ने की पिता की हत्या, 2 नाबालिग सहित 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आतंकवादियों ने शोपियां में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता को मारी गोली, घायल अवस्था में घायल अस्पताल में करवाया भर्ती। युवक को कार सवार बदमाशों से लिफ्ट लेना पड़ा महंगा, बदमाशों ने युवक से नकदी, मोबाइल और सोने की अंगूठी लूटकर हुए फरार। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मंगलवार को एक ट्रक के पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई है। कानपुर के नौबस्ता थाना प्रभारी समर बहादुर के मुताबिक नौबस्ता सागर राजमार्ग के हमीरापुर मार्ग पर चावल की बोरियों से लदा ट्रक सड़क के किनारे खड़ा था। इसी दौरान नाले की दीवार धंसने से ट्रक पलट गया, जिससे ट्रक के पास लेटे 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान रिंकू और उनके 2 बेटे अभिषेक और लक्ष्मी नारायण के रूप में हुई है। इस दौरान मौजूद लोगों ने दुर्घटना के लिए NHAI के घटिया निर्माण कार्य को जिम्मेदार बताया है। आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक कार्यकर्ता को सोमवार को गोली मार दी। इसके साथ ही आपको बता दें कि आतंकवादियों ने ANC कार्यकर्ता सजाद अहमद पर चित्रकाम कला गांव में सोमवार देर शाम गोलीबारी की है। पुलिस के एक सूत्र ने कहा है कि गंभीर रूप से घायल अवस्था में एक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इलाके को तलाशी के लिए घेर लिया गया है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में 3 वर्षीय एक लड़की के साथ बलात्कार के खिलाफ सोमवार को हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई है। इस हिंसा में एक अधिकारी सहित 40 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी और 7 लोग घायल हो गए हैं। एक पुलिस अधिकारी ने इस मामले को लेकर बताया कि उत्तरी कश्मीर में बारामूला जिले के कई जगहों पर युवाओं ने प्रदर्शन किया और सुरक्षा बलों पर पत्थर भी फेंके हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। इस बार उन्होंने एक लेख लिखकर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच किस्म का आदमी वाले अपने बयान को सही करार दिया है। मणिशंकर अय्यर के इस लेख के बाद सोशल मीडिया पर लोग जमकर उनकी खिंचाई कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों का कहना है कि एक बार फिर ऐसा बयान देकर मणिशंकर अय्यर ने साबित कर दिया है कि वो BJP के स्टार कैंपेनर है। उन्होंने कहा, आप एक पंक्ति को लेकर मेरे पीछे पड़े हैं, मैं उल्लू हूँ लेकिन इतना बड़ा उल्लू भी नहीं हूँ। आज मुझे बर्बाद करके कल कहीं और चले जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए जैश ए मोहम्मद के आतंकी अब्दुल माजिद बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। इस आतंकी पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कई दिनों से इस फरार आतंकी की तलाश कर रही थी और खुफिया सूचना के आधार पर माजिद बाबा को शनिवार शाम श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया है। जैश आतंकी माजिद 2007 में दिल्ली के दीनदयाल मार्ग पर हुए शूटआउट के बाद फरार हो गया था। इस शूटआउट के बाद 3 कश्मीरी और एक पाकिस्तानी आतंकी पकड़े गए थे। निचली अदालत ने इन्हें बरी कर दिया था, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन माजिद तब से ही फरार चल रहा था। इसके साथ एक अन्य फरार आतंकी को भी स्पेशल सेल ने पिछले महीने कश्मीर से ही पकड़ा था। शीतलवाना कस्बा में चल रही मीट की दुकानों को बंद करवाने को लेकर ग्रामीण आमरण अनशन पर बैठे हैं।
ग्रामीणों ने बताया कि कस्बे के कुमारों का वास में मीट की दुकान चलाई जा रही है, जहां प्रतिदिन दर्जनों पशुओं को काटा जा रहा है, जिसमें आसपास के निवास कर रहे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पहले एसडीएम को ज्ञापन सौंप कर दुकान हटाने की मांग की गई, लेकिन आज तक दुकान नहीं हटाई गई है। इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है, साथ ही जब तक दुकान नहीं हटेगी तब तक अनशन जारी रहेगा। बालेसर खंड में मंगलवार को आरबीएस के मोबाइल हेल्थ टीम ए के प्रभारी डॉक्टर धीरज गोयल ने बावरली ग्राम पंचायत के आंगनबाड़ी और पाठशालाओं में उपस्थित छात्र और छात्राओं के स्वास्थ्य की संपूर्ण जांच की है। इस दौरान कुल 130 बच्चों के स्वास्थ्य की जांच हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि स्वास्थ्य जांच के उपरांत बच्चों को विटामिन ए की खुराक भी पिलाई गई है, जिससे बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो सके। इस दौरान एएनएम मंजू कुमारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आशा सहयोगी उपस्थित रही है। टॉंक रोड बस का इंतजार कर रहे युवक को कार सवार बदमाशों से लिफ्ट लेना उस समय भारी पड़ गया जब बदमाशों ने बंदूक दिखाकर युवक से नकदी, मोबाइल और सोने की अंगूठी लूट कर ले गए। बताया जा रहा है कि लूट के बाद कार सवार बदमाशों ने युवक को सुनसान जगह छोड़ दिया। इस संबंध में पीड़ित ने सांगानेर थाने में मामला दर्ज करवाया और पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। दिल्ली में एक लड़की के पिता ने युवक को अपनी बेटी पर फब्तियां कसने से मना किया। इस पर युवक ने लड़की के पिता की बेरहमी से हत्या कर दी है। इसके साथ उसके भाई पर भी जानलेवा हमला किया गया है। अभी लड़की का भाई जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। फिलहाल इस मामले में पड़ोस में ही रहने वाले दो नाबालिग सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना मोती नगर के बसई दारापुर की है। संघर्षी महाराणा प्रताप के बारे में हर कोई परिचित है, वहीं हिंदुस्तान से दूर इंग्लैंड की धरती पर महाराणा प्रताप फाउंडेशन और हिंदुत्व संगठन ओम बन्ना टाइगर फोर्स के कार्यकर्ताओं ने और वहां पर निवासी सभी हिंदुस्तानियों ने मिलकर महाराणा प्रताप की जयंती मनाई और इस जयंती के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों ने विदेश की धरा पर महाराणा प्रताप का जयकारा लगाकर गर्व महसूस किया। इस अवसर पर अनेक बंधुओं ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाराणा प्रताप के मार्ग पर चलने का आह्वान किया है। महाराणा प्रताप फाउंडेशन और बन्ना टाइगर फोर्स जैसे संगठन के माध्यम से हिंदुस्तान के युवा एकत्रित होकर हमेशा वीर पुरुषों की जयंती दूसरे देशों में मनाना भी आसान हो गया है। इस अवसर पर सवाई सिंह नाथ टाऊ देवी सिंह, सोहन सिंह, गोपाल सर शक्ति सिंह, परियार देवी सिंह, विक्रम सिंह और समस्त कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ।